21 अप्रैल को बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रस्तावित है, जिसको लेकर बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में तैयारियां चोरों पर चल रही है। इसके अलावा यहां पानी, बिजली और साउंड की व्यवस्था के लिए भी टीम तैयार की गई है। पीएम की जनसभा को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर में जनसभा होगी। इक्कीस अप्रैल को बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में तैयारियां पूरी की जा रही है। यहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाड़मेर में जो टेंट लग रहा है, उनके सभा के लिए संबोधित करने जो टेंट लगेगा, उसकी तैयारियां लगभग हो चुकी है और टेंट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होगी, पानी, बिजली और दूसरी जो बहुत सारी व्यवस्थाएं होगी, उनको लेकर बैठकें चल रही है और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ सारे अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी मौजूद रहे और यहाँ के बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि उनको बुलाया गया और बैठक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली गई है। और 21 तारीख को शाम 5 बजे बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जो यहाँ से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और इन जनसभा में 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा सहयोगी तनवीर के साथ अशोक।